उज्जैन महाकाल मंदिर को लेकर इस समय एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। आखिर क्या है ये खबर और क्या बात सामने आ रही है, क्या खबर आई है, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फिफाफूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। आपको बता दूं कि उज्जैन महाकाल जो है वो हिंदुओं की एक प्रमुख आस्था का प्रतीक है और 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। चाहे वो अगर शुरू करें तो भाई चाहे वो कालिदास जी और ऐसे प्रमुख कई संस्कृत कवि हैं जिन्होंने भावनात्मक वर्णन किया है उज्जैन महाकाल का, बाबा महाकालेश्वर का। और इस समय इसके पहले हम जब मंदिर के गर्भगृह में, ऐसा कहा जाता है कि जब उज्जैन महाकाल के गर्भगृह में आप प्रवेश करेंगे तो कोई एक अलग वाइब्रेशन आपको फील होती है और ऐसा आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे कोई एनर्जी है या कोई चीज़ जो मैं फील कर रहा हूँ। आपको बता दूँ कि मंदिर को लेकर जैसे हाल फिलहाल एक बहुत बड़ा डिसीजन आने वाला था जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे और ऑलमोस्ट हिंदुस्तान के ऐसे बहुत सारे मंदिरों में नियम लागू होने वाला है धीरे धीरे, ऐसी खबर सामने आ रही है। आपको बता दूं कि उज्जैन महाकाल में अब से आप नॉर्मल जीन्स पैंट टी शर्ट पहनकर नहीं जा सकते हैं, आप एंट्री नहीं ले सकते हैं। बहुत स्ट्रिक्ट रूल पास हुआ है और अब उज्जैन महाकाल मंदिर में सिर्फ और सिर्फ आप धोती और सोला पहनकर ही जा सकते हैं और बात अगर महिलाओं की करें तो उनको साड़ी पहनना अनिवार्य है और बाकी दूसरा कोई भी जैसे जीन्स पैंट टी शर्ट ये सब पहनना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है मंदिर में। तो ये इस डिसीजन का बहुत दिल खोलकर जो भी सनातनी भाई उन सभी ने वेलकम किया है और इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।